हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ तो करा दिया था, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराया था जिससे रिलेटेड आपको जो भी मतलब कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और इस चैनल पे जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हाँ, और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बता दूँ कि जो ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मतलब डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम, तो इसका आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर से, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ जूम के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिर्फ अगर आपको मैथ्स का कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप 4000 में मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो टिल NDA एग्ज़ाम तक, ठीक है। जितने सितंबर को भी NDA का एग्ज़ाम है उतने तक क्या कर सकते हैं आप, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। दो दो घंटे की क्या आपकी क्लास होगी मैथ्स की, ठीक है, विद आपके PDF नोट्स के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ, और आपके जो रेगुलर टेस्ट होंगे, ठीक है, उसमें आपको रेगुलर टेस्ट भी होते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा, प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और आप ऐप के थ्रू आप कभी भी अपनी क्वेरी है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पर जा करके defenseGyan.com आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ब्लू कलर का लोगो है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड करके वहाँ पे आपको जो भी क्वेरी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स का जो चार्ज है वो 4000 है, ठीक, मतलब 80 डेज अभी हैं बाकी हम लोगों के पास, ठीक है। तो 80 डेज का जो आपका फ़ी है वो कितना है, 4000 है, सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए, जिन स्टूडेंट्स को मैथ का अगर क्लासेस करना है तो, ठीक है। उसमें मैं सारा कुछ कवर कराऊँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको सबको पता होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने ले लिया y = a^x, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दो केस बनेगा। पहला केस मैं बनाता हूँ जब आपका बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो। पहला केस क्या बनेगा बेटा, जब बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो। तो देखिए जरा, बेस जब 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ कैसे होगा। तो मैं एक एग्जांपल में लेता हूँ, y = 2x, बेस क्या है, 1 से बड़ा है ना, तो y = 2x ले लिया, x को 0 और y करके निकाल लिया। मैं बस आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ कैसे बनता है, ठीक है ना, बाकी उसके बाद से आपको ग्राफ याद रखना होगा। x को 0 रखेंगे, y कितना मिलेगा बेटा, 1, ठीक है। x को 1 रखेंगे, y कितना मिलेगा, 2। x को -1 रखा, y कितना मिलेगा, 1/2, ठीक है। x को आपको -2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 1/4। x आप 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा आपका, 4, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे आप प्लस में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं हमेशा इसका आउटपुट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, होता है ना। तो पॉजिटिव होता है, तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 0 पे 1 मिलेगा, ये कोई सा भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा हमेशा 0 पे 1 मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 1 पे क्या मिल रहा है, 2, तो यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 2 मिलेगा, तो 1 पे आपका 2 ये पॉइंट मिल जाएगा। 2 पे आपका क्या मिलेगा, 4, तो 2 पे आपका 4 यहाँ पे कहीं ऊपर चला जाएगा, 2 पे हमने 4 यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इधर आ जाइए, 1/2 कहाँ पे मिलेगा बेटा, -1। एक्स जब आपका -1 होगा उस केस में आपको क्या मिलेगा, 1/2। एक्स जब आपका -1 मिलेगा उस केस में क्या मिलेगा, 1/2, ठीक है। एक्स जब आपका 1/4 मिलेगा, 1/4 मतलब इसका भी आधा हो गया, वो कहाँ पे मिलेगा, -2 पे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली डिक्रीज मतलब क्या कि इधर से आप देखेंगे तो, ठीक है ना, वैसे देखा जाए तो क्या करेगा, ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब बड़ी वैल्यू पे बड़ा वैल्यू दे रहा है ना। एक्स जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, a^x का, ठीक है। जब a^x, जब आपका a क्या हो जा रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक। अब देखिए, हमें जो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ हो किसका है, y = e^x का ग्राफ। तो e क्या होता है, 2.718, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर e^x की बात करेगा तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग कर्व होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग कैसे पता चला, आप y = a^x दे रखा है, dy/dx निकाल दीजिए, तो यहाँ से dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, a^x ln a हो गया ना, ln a होगा। तो आप देख सकते हैं a^x हमेशा पॉजिटिव होता है, सारे x की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, और ln a भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो आप देख सकते हैं स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब कि ग्राफ क्या करेगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख करके आप इसका जरा डोमेन और रेंज बता दीजिए, डोमेन और रेंज इसका क्या होगा, सब कुछ इसका इसके बारे में बताते हैं। y = a^x जब आपका a क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें
पहला डोमेन जो होगा इसका, डोमेन का मतलब क्या हुआ, आप एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाइए, आप कहीं पे भी खड़े रहेंगे आपको ग्राफ मिलेगा, तो डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर। सेकंड रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वाई। तो आप देखिए यहाँ पे जीरो पे तो आपको कोई भी ग्राफ नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मतलब जीरो इंक्लूड होगा नहीं, तो क्या मिलेगा आपका, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक, इसका रेंज कितना हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी। थर्ड, ये फंक्शन क्या होगा आपका, ये ग्राफ देख रहे हैं ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे ना तो ब्रेक किया ना तो कहीं पे जंप किया है, तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ये ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एंड क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स। ठीक है। फोर्थ, ये ग्राफ किसी के अलावा सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए क्या बोलूँगा, ये आपका नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा, नॉर ऑड फंक्शन होगा। ठीक है। पाँचवा, ये ग्राफ कहीं पर भी जाकर रिपीट नहीं कर रहा है, मैं कल बताया था कैसे पीरियोडिक फंक्शन चेक करते हैं, है ना, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, वही चीज़ रिपीट होने लगती है, तो उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पीरियड बोलते हैं। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होते हैं, तो इसलिए क्या होगा आपका, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर होगी बात। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये किसका ग्राफ था, ए की पावर एक्स, जब आपका बेस क्या हो, वन से बड़ा हो। ठीक, हो गई बात। चलिए अब आपका दूसरा केस इसमें लेते हैं, ए की पावर एक्स का ग्राफ जब ए आपका जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें मतलब क्या हुआ, ग्राफ आपका वाई इक्वल टू वन बाई टू की पावर एक्स, वन बाई थ्री की पावर एक्स, वन बाई फोर की पावर एक्स, वन बाई फाइव की पावर एक्स, है ना, तो देख सकते हैं आप उसमें बेस क्या हो रहा है, जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो उसका भी ग्राफ बना लेते हैं, उसका भी ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। तो सेकेंड केस में ले लेता हूँ, यहाँ पे y इक्वल टू ए की पावर x, जब आपका a क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो पहला एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू 1 बाई टू की पावर x। ठीक है ना, तो 1 बाई टू की पावर x का ग्राफ, मतलब इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर माइनस एक्स लिखता हूँ ना। ठीक है, तो अब जब इसका ग्राफ वैल्यू रख करके आप ट्रेस करेंगे, तो ये ग्राफ जो आएगा ना, वो क्या करने लगेगा बेटा, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है ना, ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है ना, ये किसका ग्राफ बनेगा, ए की पावर एक्स, जब आपका ए क्या होगा, जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। ये पॉइंट क्या मिलेगा, जीरो कमा वन मिलेगा। ये आपको क्या होगा, वाई क्वेश्चन ए की पावर एक्स का ग्राफ होगा, जब ए आपका जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जरा देखिएगा, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्या कि अगर मैं इस ग्राफ के डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, डोमेन का मतलब देख सकते हैं आप, एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी चले जाइए, आपको हर जगह पर ग्राफ मिल रहा है, तो डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर। रेंज, रेंज क्या होगा इसमें भी, जीरो से इन्फिनिटी। रेंज क्या होगा बेटा, जीरो से इन्फिनिटी। ये भी ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे भी न तो ब्रेक कर रहा है, तो कहीं पे जंप कर रहा है, इसलिए क्या बोलूँगा, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा सारी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है ना, अच्छा, ये ग्राफ किसी के लॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा, और आपका क्या होगा, ये आपका नॉन पीरियोडिक भी होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन भी होगा। क्लियर होगी बात। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ तक आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्लियर हो गया। ठीक, एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्लियर हो गया, तो लॉग का भी ग्राफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉग, है ना, तो मैं काम करूँगा लॉग के ग्राफ के साथ साथ मैं लॉग की प्रॉपर्टी और लॉग के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपका ये लॉग से जो पूरी बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, जो भी आपकी डाउट्स हैं लॉग से रिलेटेड, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। लॉग के क्वेश्चंस कम से कम दो या तीन क्वेश्चंस, चार भी हो सकते हैं, चार क्वेश्चन कम से कम एनडीए में आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो लॉग पे आप कमांड कर लीजिए, बस आपको क्या करना, प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर एक बार प्रॉपर्टी याद हो जाती है, तो प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग में क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग में क्या होता है, क्वेश्चंस देख करके बस हमको ये आइडिया लग जाए कि अगर हमको कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो लॉग एक्स के ग्राफ के लिए देखिए क्या करेंगे बेटा, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है ना, ठीक, तो चलिए देखिए यहां पे क्या लिखूंगा मैं, लॉग ऑफ एक्स बेस ए ले लिया पहला। ठीक है, हमको क्या ग्राफ करना, किसका ट्रेस करना, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दो केस बनाएंगे, क्या लॉग ऑफ एक्स बेस ए जब ए बेस क्या हो, वन से बड़ा हो। ठीक है, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन। ठीक है ना, बेस क्या होना चाहिए, जीरो, वन से बड़ा। आपको ये चीज़ पता होगा कि लॉग ऑफ ए बेस बी में डिफाइंड कब होता है, जब ए आपका जीरो से बड़ा होता है, बी जीरो से बड़ा होना चाहिए बट नॉट इक्वल्स टू
वन होना चाहिए लॉग के लिए, ये जो याद रखिएगा ठीक है ना। लॉग में क्या होता है बेटा, लॉग ऑफ ए बेस बी में ए क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, और बेस आपका क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए बट नॉट इक्वल्स टू वन, लॉग डिफाइंड होने के लिए पहली चीज़ तो ये ठीक है ना। अच्छा आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शंस ठीक है ना, ठीक है, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसको क्या करते हैं वाई मानते हैं, अब क्या करते हैं एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं, फिर क्या करते हैं उसे रिप्लेस कर देते हैं ठीक है ना। चलिए ज़रा तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है, एक्स हो जाएगा आपका ए की पावर वाई, जब लॉग हटेगा तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी ए की पावर वाई, तो यहाँ से जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स होता है वो किसके बराबर हो जाएगा ए की पावर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग ऑफ एक्स ए की पावर एक्स का क्या होता है, इनवर्स होता है। लॉग की एक प्रॉपर्टी अभी मैं बताऊंगा, सब सारा कुछ बताऊंगा ठीक है। देखिए याद रखिएगा लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से एन किसके बराबर होता है ए की पावर एक्स होता है, मतलब लॉग को आप कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में बदलते हैं ये तरीका होता है, तो हमने वहीं पर लगा दिया। देखिए ना जरा ये लिखा ना लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से एन के लिए किसके बराबर हो जाएगी ए की पावर एक्स, ये होगा ठीक है ना, तो ये आपका एफ इनवर्स हो गया। तो आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा होगा कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, याद रखिएगा एक बात ठीक है ना। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब वो फंक्शन क्या होता है वन वन होता है और ऑन टू होता है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तभी जाके क्या करते हैं किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स है ना, तो वही डोमेन सेलेक्ट किया जाता है जिसमें कि वो क्या होता है वन वन होता है और ऑन टू होता है ठीक है। आगे बात समझे ना, क्योंकि आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स में साइन एक्स का थोड़ा सा ही पोर्शन लिया जाता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और उसी का इनवर्स निकाला जाता है, क्यों, क्योंकि वो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के ही बीच में वो क्या होता है वन वन होता है और ऑन टू भी होता है ठीक है ना। तो इसलिए वो उसका जो डोमेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो कितना करते हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक क्लियर होगी बात। चलिए अब हमें एक चीज़ बहुत आसान चीज़ पता चल गई, क्या, कि अभी हम लोग ए की पावर एक्स का ग्राफ देखा था ठीक, पहला केस हमने क्या माना था ए जब आपका वन से बड़ा हो ठीक है, पहला हमने देखा था ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ठीक। अब यहाँ पे ए की पावर एक्स का ग्राफ बनाइए, तो ए की पावर एक्स का ग्राफ में कब वाला केस लेंगे जब बेस आपका वन से बड़ा है, तो बेस आपका वन से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ होगा ए की पावर एक्स का ठीक है। ये पॉइंट क्या मिलेगा बेटा जीरो कमा वन ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, हमेशा वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, तो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन बेटा कैसे बनती है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन मैं बता चुका हूँ, तो y इक्वल्स टू एक्स लाइन आपकी ये रही ठीक है, ये कौन सी लाइन होगी y इक्वल्स टू एक्स लाइन, इसी के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूँ तो इसका मिरर इमेज बनेगा, तो मिरर इमेज कैसा बनेगा बेटा, मिरर इमेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बनेगा ना, देखिए जरा ठीक। तो ये ग्राफ किसका हो गया, लॉग ऑफ एक्स बेस ए का जब ए आपका क्या हो जाए वन से बड़ा हो जाए, क्लियर होगी बात ठीक है ना। ये पॉइंट क्या होता है बेटा, ये जीरो कमा वन मिला तो क्या मिलेगा वन कमा जीरो मिलेगा ठीक है ना। आगे बात सुनने, तो अगर कोई पूछे बेटा कि लॉग ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या बोलोगे आपका नॉट डिफाइंड, लेकिन उसकी वैल्यू होगी कितनी माइनस इन्फिनिटी ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे डोमेन जरा बता दीजिए, डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, डोमेन डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा ये बताइए डोमेन में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस जब जीरो से इधर जा रहे हैं आप, तो इधर आपको कोई ग्राफ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, आप जीरो से राइट साइड में मिल रहा है लेकिन जीरो पर भी आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है, तो मैं जिसका डोमेन क्या बोलूँगा जीरो टू इन्फिनिटी, डोमेन क्या हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ बेटा, वैल्यू ऑफ वाई, तो आप वाई एक्सिस पे कहीं पे भी चले जाओ हर जगह आपको ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो रेंज कितना हो जाएगा बेटा सारे रियल नंबर्स, रेंज क्या हो जाएगा सारे रियल नंबर ठीक है ना। ये भी क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे अपने डोमेन में ठीक है ना, ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे अपने डोमेन में ठीक। अच्छा ये किसी के अराउंड सिमेट्रिक नहीं है, आप देख सकते हैं इवन ऑड के लिए क्या होता है, बताया था मैंने इवन ऑड के लिए अगर कोई सा भी फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है ऑड फंक्शन होता है, और अगर वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है तो कौन सा फंक्शन होता है इवन फंक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं न तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है न तो आपका वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, तो इसलिए क्या होगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा ठीक, और नॉन पीरियोडिक भी होगा, क्लियर होगी बात ये ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किसका ग्राफ देखा था, लॉग ऑफ एक्स बेस ए का ग्राफ जब आपका ए क्या हो आपका वन से बड़ा हो, बेस आपका क्या हो वन से बड़ा हो ठीक है। तो उसी तरह से अब बताइए जरा अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ जो आपका ए जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, तो कौन सा वाला ग्राफ होगा ए की पावर एक्स का दूसरा वाला ग्राफ होगा जब जीरो से वन के बीच में लाई करता है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा बेटा, और उसका जब आप मिरर इमेज लोगे तो कैसे बनेगा, उसका मिरर इमेज आपका ऐसे बन जाएगा। तो मैं बना कर दिखा देता हूँ, सेकेंड केस जो है सेकेंड केस
सेकेंड केस में ले रहा हूँ जब a आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो अब बताइए जरा, a जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? a की पावर x वाला ग्राफ, तो a की पावर x जब a आपका 1 से बड़ा था तो ऐसे था, ठीक है, और उस केस में आपको कैसे मिल जाएगा? ठीक है, देख रहे हैं ये कौन सा हो जाएगा, 0,1 हो गया, ठीक है। अब इसका किसके अलोंग सिमेट्रिक होगा? y cos x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। तो y cos x लाइन के अबाउट इसका सिमेट्रिक अगर ड्रॉ करोगे आप, y cos x लाइन ये रहा, ठीक है, तो इसके अलोंग अगर सिमेट्रिसिटी अगर आप ड्रॉ करोगे इसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ था बेटा? a की पावर x का ग्राफ था जब a आपका 0 से 1 के बीच में लग गया, ठीक। तो इसका ग्राफ जब ट्रेस करोगे तो कैसा मिल जाएगा बेटा? ठीक, ऐसे मिलेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है आप, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका बन गया? log of x बेस a जब a क्या होगा आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये भी पॉइंट कितना मिल जाएगा? 1,0। क्लियर होगी बात? तो इसका यूज तो कम ही होता है, हम लोग बेसिकली जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है log of x बेस a, जब आपका बेस क्या होता है 1 से बड़ा होता है, मतलब ये वाला, ठीक है, बेस क्या होगा 0 से बड़ा, मतलब यहाँ पे दिख रहा हो 0 से बड़ा 1 के, लेकिन जब बेस आपका 1 से बड़ा होता है, क्योंकि जनरली लॉग ऑफ बेस 10 लेते हैं, तो बेस ऑलरेडी क्या होता है 1 से बड़ा होता है, तो हमको जो पहला वाला मैं केस बनाया हूँ वही ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। क्लियर होगी बात नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो लॉग के जो ग्राफ होते हैं वो सब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए हैं तो लॉग भी खत्म कर लेते हैं जितने सारे लॉग की प्रॉपर्टी, ताकि यहाँ से आपको एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए लॉग वाला, ठीक है ना। बाकी अब इसमें कैलकुलस तो चल ही रहा है, ठीक है। तो लॉग, एक चीज़ याद रखिएगा कि लॉग डिफाइंड कब होता है, लॉग ऑफ ए बेस बी डिफाइंड कब होता है, जब ए आपका 0 से बड़ा हो जाए, बी जब 0 से बड़ा हो जाए बट नॉट इक्वल्स टू 1 हो जाए। क्लियर होगी बात? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में। देखिएगा, देखिए लॉग बेसिकली होता क्या, लॉग को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी दिखाया तो मैंने, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक दूसरा क्या है, लॉगरिथम फॉर्म में। मतलब किसी भी नंबर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने 36, ठीक है, 36 हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से बेटा? एक तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 6 को क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं, ठीक। 2 को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, या फिर इसी को कई लोग सारे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, ठीक है ना, तीन चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉग के फॉर्म में इसी को रिप्रेजेंट करना होता है तो बेटा क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस क्या है? 6 है, तो यहाँ पे भी बेस 6 होगा, 36 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 के बराबर हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो आप देखिए 36 को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए, एक तो आप किसके फॉर्म में? एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक दूसरे फॉर्म में क्या कर दिया? लॉग के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर आप इस नंबर को ये लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? एंटी लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। क्लियर होगी बात? ये अगर लॉग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली एंटी लॉग रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से एक बात निकल के आती है, अब मैं यहीं से एक बात बोलूँगा कि अगर एन है कोई सा भी नंबर, ठीक है, अगर यहाँ पर ले लिया मैंने एन इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, ठीक है ना, तो इसको लॉग के फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा? लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स। ये चीज़ दिमाग में बैठा लिया लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या कि किसी भी नंबर को अगर आप एक्सपोनेंट के फॉर्म रख रहे हैं तो लॉग के फॉर्म में क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल मैं लूँ कि लॉग ऑफ 5 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। तो अब जरा इसको एक्सपोनेंट में बदल के दिखाओ तुम, तो ये वाला क्या हो जाता है बेटा? ये 2 इसके, ये एक्स क्या होगा? इस 2 के पावर में आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 इक्वल टू में क्या लिखूंगा? 2 की पावर x। क्लियर होगी बात? 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर x, ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लूँ, इस मामले में यहाँ पे लिखता हूँ लॉग ऑफ 8 बेस 2, ठीक है ना, इसको x मान लिया, तो अब बताइएगा बेटा जरा 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर x, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3 के बराबर। आगे बात सुनिए, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? है ना, मैंने लॉग को क्या किया बेसिकली एक्सपोनेंट के फॉर्म में बदल दिया। अभी मैं लॉग की प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लॉग और एक्सपोनेंट में कैसे एक्सचेंज करते हैं, लॉग के फॉर्म में और एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक। चलिए और एक चीज़, एक मैं नोटेशन बता देता हूँ क्या, देखिएगा
लॉग ऑफ बेस 10 को बोलते हैं सिंपली लॉग बोलेंगे, क्लियर होगी बात, ठीक है। और लॉग ऑफ बेस ई को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएन, एलएन को क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। एलएन को क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, और जहाँ पे ई की वैल्यू होती है वो कितना होती है बेटा 2.718, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यार ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं बुक्स में, ठीक है ना। अब चलिए, ठीक है, यहाँ तक इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब देखिएगा जरा, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बेसिक सा। अगर मैं पूछूँ पहला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 512 बेस 8 की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी, दूसरा लॉग ऑफ √2 + 1 / √2 - 1 की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी, तीसरा लॉग ऑफ 8 / √2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। चलिए अब इसको पहले देख लेते हैं, है ना। चलिए देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या करूँगा बेटा, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो log ऑफ 512 / 8 इक्वल टू x, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में जरा बदलो तो 512 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ से x वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 3, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे बेस कितना है बेटा √2 - 1, यहाँ पे बेस, यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट कितना है √2 + 1, तो देखिएगा जरा, अगर √2 + 1 × √2 - 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 1 होगा ना। तो अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है दैट मीन्स वो दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे, क्लियर होगी बात। तो देखो ना जरा यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, √2 + 1 = किसके बराबर लिखता हूँ बेटा 1/√2 - 1 लिखता हूँ कि नहीं, तो फिर मैं क्या लिखता हूँ इसको √2 - 1 की पावर - 1 लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, इसको पहले x मान लो, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा √2 + 1 = √2 - 1 की पावर x। अच्छा √2 + 1 की वैल्यू किस बराबर आएगी बेटा √2 - 1 की पावर - 1 दैट इक्वल्स टू √2 - 1 की पावर x, तो यहाँ से x किस वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा -1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1, ठीक। आप याद रखिएगा कि अगर दो नंबर्स दे रखे हैं उसका अगर उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या कि वो इनवर्स होगा, मतलब एक को आप 1/ करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में भी इसको टी मान वो मान लो एक्स मान लो √2 = कितना हो जाएगा एक्स, तो यहाँ से 8 में लिखता हूँ क्या √2 को मैं क्या लिखता हूँ बेटा 2 की पावर 3/2 लिखता हूँ कि नहीं की पावर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2³ = 2³/3/2x, तो यहाँ से 3 कितना हो जाएगा 3/2x, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगी 2, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। इस एक्स स्क्वायर किस बराबर हो जाएगी 2, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब इस अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैसे हम लोग लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं, ठीक। अभी मैंने लॉग की प्रॉपर्टी नहीं बताया, अब सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको चेंज करना ताकि दिमाग में बैठ जाए कि लॉग ऑफ एन बेस ए इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से एन की वैल्यू किसके बराबर होती है ए की पावर एक्स के बराबर होती है, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अब मैं जरा एक क्वेश्चन लेता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, जब मैं एक क्वेश्चन ले लिया लॉग ऑफ बेस 3.5, अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं ऐसा, लॉग ऑफ 1 / 2 की वैल्यू किस बराबर होगी, पहला क्वेश्चन लॉग ऑफ 1 / 2 या फिर लॉग ऑफ 1 / 10, लॉग ऑफ 1 / 5 की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी। तो अच्छा बताइए, अभी लॉग का ग्राफ पढ़े थे अभी हम लोग, ठीक है, तो अब बताइए जरा यहाँ पे 1, 0, ठीक है, लॉग की वैल्यू बेस 1 पे किसके बराबर हो जाएगी बेटा 0, सॉरी लॉग ऑफ 1 / 2, है ना, बेस जब आपका 1 से बड़ा हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बताएंगे कि वैल्यूज की क्या क्या आएगी, ठीक है। चलिए देखिए जरा दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि लॉग ऑफ, देखिए जरा लॉग ऑफ 1 /
थ्री इक्वल्स टू कितना आएगा, ठीक है। तो इसका देखिए जरा कैसे निकाला हूँ मैं, इसको मैंने कहा कि एक्स मान लिया वैसे ही, तो यहाँ पे बताइए जरा लॉग ऑफ, सॉरी लॉग तो बढ़ जाएगा ना, तो वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री की पावर एक्स। अब बताइए एक्स मेरी क्या रखें कि वन आ जाए, तो यहाँ से एक्स वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी, जीरो। एक तो क्लियर हो गया ना। अच्छा इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ लॉग ऑफ वन बेस वन बाई टू एक की वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी, ठीक है। लॉग ऑफ वन बेस वन बाई टू की वैल्यू किसको बराबर होगी, तो इसको मैं क्या किया, मैंने एक्स मान लिया, तो यहाँ से ये बताओ बेटा कितना हो जाएगा, वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन बाई टू की पावर एक्स होगा। तो मैं क्या इसको लिखता हूँ, वन इक्वल्स टू टू की पावर माइनस एक्स, ठीक। अब यार यहाँ से एक्स क्या निकलेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा जरा ध्यान से, एक चीज़ बताइएगा जरा, अगर मैं टेन की पावर वन करता हूँ तो टेन आ गया, टेन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हंड्रेड आ गया, टेन का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, वन थाउजेंड आ जाएगा। अच्छी बताइए उस तरह से टेन की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो उसके लिए कितनी आ जाएगी बेटा, इन्फिनिटी आएगी कि नहीं, ठीक है। तो याद रहेगा ना कि अगर बेस आपका वन से बड़ा है और पावर कितना हो गया इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो, सॉरी इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात ना, अगर बेस आपका क्या वन से बड़ा है और पावर कहाँ टेंड करा इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। अच्छा वन बाई टू पे आइए ज़रा, वन बाई टू की पावर वन करिए तो कितना हो गया, वन बाई टू, वन बाई टू का स्क्वायर करिए तो कितना हो गया, वन बाई फोर, वैल्यू और छोटी होती जा रही है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं यही करूँगा कि अगर वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, जीरो आएगी कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये बताइए बेस आपका क्या है, जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है, बेस आपका क्या हो रहा है, जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है, पावर कहाँ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी, तो उसके लिए कितनी जाएगी बेटा, जीरो। तो अच्छे बताओ जरा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो लिखता हूँ कि नहीं, बोलो, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैंने देखा कि अगर बेस आपका क्या हो रहा है, वन से बड़ा हो रहा है, बेस आपका क्या हो रहा है, वन से बड़ा हो रहा है और पावर कहाँ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी, तो उसके लिए कितनी होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है, ठीक। अगर बेस आपका जीरो से वन के बीच में लाई करता है, बेस कहाँ से कहाँ लाई करता है बेटा, जीरो से वन, और उस केस में अगर पावर कहाँ टेंड कर जाए, इन्फिनिटी टेंड कर जाए, तो उसके लिए कितनी होती है, जीरो। क्लियर होगी बात। तो अब बताओ जरा यहाँ पे एक्स के लिए क्या रख दें, एक्स के लिए क्या रखें बेटा, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तभी तो ये क्या बनेगा ऊपर, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो बनेगी ना। लेकिन हमें क्या लाना है यहाँ पे, वन लाना है ना, तो वन लाना है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, टू की पावर जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्लियर होगी बात, यहाँ से एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप एक बार। तो यहाँ से वन इक्वल कितना हो जाएगा, वन बाई टू की पावर, वन बाई टू की पावर एक्स, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ से टू की पावर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। तो इसका मतलब इसको तो हमने को इन्फिनिटी नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स यहाँ से एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, ठीक। एक्स को जब जीरो रखोगे तो यहाँ पर से वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए, देखना जरा। एक चीज़ देखिएगा, रुक जाइए अभी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, जिसमें कि आपको और अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा तो ये लॉग, ठीक है, तो चीज़ क्लियर हो गया। लॉग बेस पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें लॉग ऑफ वन बेस वन कितना होगा बेटा, लॉग ऑफ वन बेस वन। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लॉग ऑफ वन बेस वन, ठीक। तो लॉग ऑफ वन बेस वन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अब बहुत लोग बोलेंगे क्या वन, लेकिन वन नहीं होता है, ठीक है ना। लॉग ऑफ वन बेस वन क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होता है, अभी हमने बताया था यहाँ से। तो लॉग ऑफ वन बेस वन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होगा जरा बताओ तो जरा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बताया था कि लॉग ऑफ ए बेस बी में ए जब जीरो से बड़ा होना चाहिए, बी जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए। बेस क्या नहीं होना चाहिए, वन के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेस क्या है, वन के बराबर हो गया ना, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बेस वन के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। मतलब लॉग ऑफ वन बेस वन की वैल्यू वन के बराबर नहीं होती है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि लॉग ऑफ टू बेस टू किसके बराबर होगा, तो सभी लोग बोलेंगे वन। लॉग ऑफ टू बेस टू किसके बराबर होगा, तो सभी लोग बताएंगे क्या, वन, क्योंकि वन तो आएगा ही। लॉग ऑफ टू बेस टू को हम लोग क्या लिख मानेंगे, एक्स।
तो यहाँ से टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू की पावर एक्स, तो यहाँ से एक्स वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा वन। क्लियर भी बात ना, ये तो प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों आपस में इक्वल हो गए तो उसके लिए कितनी हो जाएगी वन। लेकिन लॉग ऑफ वन बेस वन की वैल्यू वन के बराबर नहीं होती है, वो किसके बराबर होती है, नॉट डिफाइंड के बराबर होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो लॉग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लॉग के थोड़ा सा और क्वेश्चंस में कराऊंगा, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।